नमस्कार, R9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुख करते हैं टॉप 10 खबरों का। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने चुनावी मैदान में उतर रहे सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खबरों के माने तो इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन का दौर जारी है, जिसे लेकर तमाम चुनावी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र से नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच रहे हैं। इसी बीच अब सरातू से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य ने भी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल और जिलाध्यक्ष अनिता त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद रही। लखनऊ के सरोजनी नगर पर जारी दावेदारी के सस्पेंस को समाप्त करते हुए बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद राजेश्वर सिंह सुबह सीएम योगी से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी की तारीफ की और उनके मार्गदर्शन से नई यात्रा के आरंभ का ऐलान किया। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की, जिसमें 27 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। बता दें कांग्रेस प्रत्याशियों की ये अब तक की 7वीं लिस्ट है, जिसमें 11 महिला उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि 4 प्रत्याशियों को बदला गया है। लखनऊ पूर्व से कांग्रेस ने पंकज तिवारी का टिकट काटकर एलयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया। दादरी प्रत्याशी दीपक चोटीवाला के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां उन्होंने रोड शो करते हुए जनता से दीपक चोटीवाला के लिए वोट की अपील की। इस रोड शो में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी गाजियाबाद के लोनी पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। बता दें इस दौरान लोगों की भारी भीड़ वहां मौजूद रही और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यूपी चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है, लेकिन अब इसमें फर्जी नामांकन के मामले भी सामने आने लगे हैं। ताजा मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां एक ही सीट पर बीएसपी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें एक प्रत्याशी फर्जी बताया जा रहा है। बीएसपी की ओर से 2-2 प्रत्याशियों के नामांकन ने मायावती के साथ साथ अब घोषित प्रत्याशी साजिया हसन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव में लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इसके लिए प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, जिसका उदाहरण रामपुर में देखने को मिला है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों को मतदान में हिस्सा लेने और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। बिजनौर सदर सीट से आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नीरज पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उसकी उपस्थिति में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नीरज चौधरी और 20 से 25 व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी काफी शातिर बदमाश हैं और उन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं।